लोक निर्माण विभाग के कार्यालय यात्री को उनके पूर्व रहे अधिकारी की ओर से सड़क निर्माण कार्य का 41 लाख रुपए का भुगतान करने के मामले में जांच कर रहे अधिकारियों ने सस्पेंड कर दिया था, जिस पर कार्यालयपाल यात्री ने अपने आप को निर्दोष बताया था, लेकिन अधिकारियों ने बिना सत्यता की जाँच के ही निर्दोष अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया था। पूरे मामले को लेकर अब अध्यक्ष यात्री हरि सिंह ठाकुर हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे तो वहां उन्हें न्याय मिला। कार्रवाई हुई थी जिससे न्यायालय ने आपको क्या राहत दी? मेरे खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी उस कार्रवाई के विरुद्ध में मैंने माननीय उच्च न्यायालय पे अपनी याचिका दायर की थी, जिसपे दिनांक जो 7/3/2017 का आदेश शासन ने किया था उसको उन्होंने खारिज कर दिया, मतलब उसको रद्द कर दिया। उससे मुझे पुनः उसी स्थान पर कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया माननीय उच्च न्यायालय द्वारा। सर, आपके खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी कुछ ऐसा तो नहीं मानते हैं कि अपने डिपार्टमेंट या अपने कोई राजनीतिक इनका कोई षड्यंत्र रहा हो? इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ये षड्यंत्र भी है और नहीं भी है, क्योंकि ये कार्रवाई जो है एक तरफा कार्रवाई की गई है शासन के द्वारा बिना मेरा पक्ष सुने की गई थी, जो कि पूरी तरह से साजिश के तहत की गई है, जिसमें कि जिन अधिकारियों को कार्रवाई होना चाहिए थी उनको बचाया गया है और मुझे फंसाया गया है। ये हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जानबूझ के कार्रवाई की गई। तो सर, किस हद तक आप संतुष्ट हैं न्यायालय की कार्रवाई से? न्यायालय का कार्रवाई से मैं 100% संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया था। जो मैंने किया था भुगतान किया था 2014 के भुगतान को मैं सवलम किया, क्योंकि वो एक ऐसी लाइबिलिटीज थी जो ठेकेदार के आवेदन के तहत मैंने किया कि ठेकेदार ने भुगतान हेतु आवेदन दिया था और सब इंजीनियर SDO के पहले से ही माप उसमें दर्ज थे। ये कार्रवाई को पहले ही पूर्व के कार्यमंत्री द्वारा धारा 14 में समाप्त किया जाना था और संबंधित मुख्य अभियंता मिस्टर गोरे द्वारा इसको कार्रवाई को समाप्त निरस्त कर देना था अनुबंध को, लेकिन इनके द्वारा नहीं किया गया। अतः इस प्रक्रिया में ये पूर्णतः दोषी पूर्व के कार्यमंत्री और मुख्य अभियंता है।